दोस्तों कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ समर स्पेशल फेशियल। और आज का ये जो फेशियल है स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। और इस फेशियल को करने में आपको खर्च करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए खर्च कर आपको मिलेगी क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है पोटैटो जूस। तो आप एक पोटैटो को पील ऑफ कर इस तरीके से कद्दूकस कर उसका जूस निकाल लें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच रॉ मिल्क बीन्स की कच्चा दूध। दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद एक कॉटन बॉल लेकर इसे पूरे फेस पर सॉफ्ट हैंड से अप्लाई कर लीजिए। तो कम्प्लीटली फेस पर हमें इसे अप्लाई कर लेना है। और ये जो हमने पोटैटो जूस लिया है इसमें हमने रॉ मिल्क लिया है, दोनों में ही काफी अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है और एज ए क्लेंजर भी वर्क करता है। तो हम यहाँ पर इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये 2 से 3 मिनट में जब ड्राई हो जाए तो अब हम इसे फेस से रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक गीला टॉवल। इस तरीके से बाउल में पानी लेकर आप टॉवल को गीला कर लें और इससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, बट बार बार उठकर जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप भी गीला टॉवल लेकर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। तो अब हम करेंगे स्टेप टू। स्टेप टू के लिए हमें चाहिए ऑरेंज और हमें चाहिए ग्रेप्स। जो भी आपके घर में सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो तो आप उनको ले लें। हम यहाँ पर फ्रूट को खाने वाले नहीं है, ना फेस पर लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 स्लाइस ले लिए हैं ऑरेंज के और मैंने यहाँ पर ये 2 से 3 ग्रेप्स लिए हैं। तो इन्हें आप हाथ से इस तरीके से प्रेस कीजिए तो देखिए इनका जूस इजीली निकल आएगा। और इनका जो पल्प है इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसी बाउल में रहने देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ जिससे इसका कम्प्लीटली जूस बाहर निकला है। इसके बाद ऐड करना है हमें इसमें 1/2 चम्मच हनी और साथ ही 1/2 चम्मच चावल का आटा। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसे हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लेते हुए इसके पल्प को भी इस तरीके से हमें हाथ में लेना है और हम इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। गाइज बिलीव मी, जब आप इसका सेकेंड स्टेप करेंगे इस फेशियल का तो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है और इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। तो जब आप इसे पूरे फेस पर अच्छे से लगा दें तो सॉफ्ट हैंड से आपको जो भी फेशियल की स्टेप पता हो आप इस तरीके से कर लें। तो आपको अपने पूरे फेस पर सॉफ्ट हैंड से छोटे छोटे स्टेप करते हुए आपको अपनी फेस की मसाज कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से देखिए स्टेप कर रही हूँ, तो आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये बस हमें करना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब हम फेस को बस इसी तरीके से छोड़ देंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है और अब हम फेस को क्लीन करेंगे नॉर्मल वाटर से। तो मैं यहाँ पर टॉवल को गीला कर मेरे फेस को क्लीन कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप चाहें तो अपने बाथरूम में जाकर भी फेस को वॉश कर सकते हैं, बट बार बार उठकर जाना ठीक नहीं लगता है। तो आप इस स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो गीला टॉवल लेकर क्लीन वाटर से इस तरीके से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ पर फेस मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अब हम करेंगे स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री के लिए हमें लेना है विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये इजीली मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर अवेलेबल है, अराउंड 25 या फिर 30 रुपये का ये मिलता है। तो आप इसके ऑयल को इस तरीके से कट कर अपने हैंड पर निकाल लें और इस ऑयल को आपको अपने पूरे फेस पर टैप टैप कर अप्लाई कर लें। तो आप चाहे तो थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसे पूरे फेस पर स्प्रेड कर लें, इससे आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो आता है। इसके बाद हमें लेना है एक फ्रेश एलोवेरा लीफ। तो मैंने ये काफ़ी बड़े साइज की लीफ ली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस है एलोवेरा का। तो इस तरीके से आप इस लीफ से कट कर लें, इसके साइड के कांटों को निकालते हुए। और अगर आपके पास एलोवेरा लीफ नहीं है तो फिर आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसे पूरे फेस पर मसाज कर लें। तो मैं जब तक मसाज करने वाली हूँ जब तक कि इस लीफ के अंदर का जो जेल है कम्प्लीटली फिनिश ना हो जाए। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ये मसाज कर लिया है मेरे फेस पर। और इसके बाद अब हम क्लीन टॉवल लेकर फिर से अपने फेस को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आपको रिजल्ट नजर आने लगा होगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए ये है ऑरेंज
और जो ग्रेप्स हमने लिए थे उनका जूस, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये पटेटो जूस। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो अब हम यहाँ पर एक फेस पैक बनाकर रेडी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है ये। और बस सब चीज़ों को मिक्स करना है और हम इसे पूरे फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। और हम इसे 3 से 4 मिनट इस फेस मास्क को अपने फेस पर रहने देंगे। तो बस इतना ही ड्राई करना है, जितना कि हल्का सा ड्राई हो जाए, कम्प्लीटली हम इसे ड्राई नहीं होने देंगे। तो मैंने इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। जैसे ही हल्का सा ड्राई होगा हम फेस को वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरे फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है, कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करना है। और इस फेशियल का रिजल्ट आप देख सकते हो। अगर आप भी अपने फेस को क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो इस फेशियल को आप वीक में 2 से 3 बार जरूर ट्राई करें। इसके बाद हम लेंगे कोई भी फेस मॉइस्चराइजर और इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। और बस अपने फेस को रिलैक्स होने के लिए इसी तरीके से 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। रियली फ्रेंड्स, आज का ये जो फेशियल आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर देना, कमेंट करना, शेयर करना। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।